नमस्कार सर, स्वागत है आपका इन्वेस्ट चाय चैनल पे। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप बेस्ट फ्लेक्सी के म्यूचुअल फंड सर्च कर रहे हो तो मैं आपके लिए लाया हूँ बेस्ट फ्लेक्सी के म्यूचुअल फंड। यह म्यूचुअल फंड 2024 के अंदर बेस्ट रिटर्न दे सकता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। अगले 4 से 5 साल के लिए अगर आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तब भी आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड से वेल्थ बनाना आज के टाइम में बहुत आसान है। आप आराम से अपने म्यूचुअल फंड को ट्रेड भी कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, फिर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। आप बैंक में एफडी करने के बाद कुछ सालों के लिए भूल जाते हो, 5 साल 10 साल या 15 साल। आपको लगता है जब आपकी एफडी मैच्योर होगी तो आपको एक बड़ा फंड मिलेगा। आप ठीक उसी प्रकार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। एफडी की तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त करोगे, बहुत बड़ा फंड आप इकट्ठा कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम रखिए लेकिन कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहिए। बेस्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जानने से पहले अपन जानते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है और रिटर्न जनरेट कैसे करता है। फ्लेक्सी कैप फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है। इक्विटी का अर्थ होता है आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पूरा अमाउंट शेयर मार्केट की अलग अलग साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर जो लिस्टेड कंपनियां हैं उन्हीं में इन्वेस्ट होगा। तो आपको ये समझ आ गया होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से रिलेटेड म्यूचुअल फंड है। काफी लोगों को शेयर मार्केट का नाम सुन के ही डर लगता है। डर लगेगा तभी आपको रिटर्न प्राप्त होगा। आप आराम से डर डर के ही कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहिए तब पता लगेगा लॉन्ग टर्म में कैसे वेल्थ बनती है। कोई भी डिसीजन जल्दी में ना लेके आराम से सोच समझ के लेना है। इन्वेस्टमेंट एक लाइफ की जर्नी होती है, उसमें आप अगर धीरे धीरे कदम रखोगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप जल्दी में कोई भी म्यूचुअल फंड या शेयर में इन्वेस्ट करोगे हो सकता है वो 1 साल या 2 साल में आपको नेगेटिव रिटर्न दे। आप गोल प्राप्त करने से काफी दूर चले जाओगे। एक बार नेगेटिव रिटर्न स्टार्ट हो गया तो आप उसको रिकवर करने में ही काफी टाइम लगा दोगे। इसलिए आपको धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में कदम बढ़ाने अपने। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर एक कैटेगरी है, जैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, थीमेटिक और सेक्टर वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये सब इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। इसी में फ्लेक्सी कैप एक कैटेगरी है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर 3 प्रकार की कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। स्मॉल साइज की कंपनियां, मीडियम साइज की कंपनियां और लार्ज साइज की कंपनियां। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो प्रत्येक म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर ही आपके पैसे को मैनेज करता है। जिस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर खुद रिसर्च करके डिसीजन लेता है और आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, ऐसे म्यूचुअल फंड को एक्टिव म्यूचुअल फंड बोला जाता है। और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक्टिव म्यूचुअल फंड है। जिस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर डिसीजन नहीं ले सकता ऐसे म्यूचुअल फंड को पैसिव म्यूचुअल फंड बोला जाता है। जैसे इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक पैसिव म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल है। एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर को फ्रीडम रहता है, वो रिसर्च करने के बाद ही आपके पैसे को कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। किसी कंपनी की परफॉर्मेंस अगर डाउन चल रही है तो वो फंड मैनेजर उस कंपनी को अपनी होल्डिंग से हटा देता है और नई कंपनी को होल्डिंग में ऐड कर देता है। फंड मैनेजर को रिसर्च करने के बाद लगता है कोई कंपनी अगले 5 साल में बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे सकती, उस कंपनी को होल्डिंग से हटा देता है और लगता है कि कुछ चांस है इस कंपनी में ये फ्यूचर के अंदर बढ़िया रिटर्न दे सकती है तो उसमें ज्यादा इन्वेस्ट भी कर सकता है। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड होता है और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर फ्री रहता है, वो किसी भी प्रकार की कंपनी में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। फंड मैनेजर स्मॉल साइज की कंपनी में भी अधिक पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, लार्ज साइज की कंपनी में भी अधिक पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और मीडियम साइज की कंपनी में भी अधिक पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इस वजह से इस फंड में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और इसी वजह से इसको फ्लेक्सी कैप फंड भी बोला जाता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर निप्पन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड 2024 के अंदर बेस्ट रिटर्न दे सकता है। अगले 5 से 10 साल में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर यह म्यूचुअल फंड बेस्ट रिटर्न दे सकता है। अभी अपन निप्पन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एवरेज
14-18% रिटर्न मिल सकता है। यह फंड 2024 के अंदर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर बेस्ट रिटर्न दे सकता है। इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड नया फंड है। 16 अगस्त 2021 में यह फंड स्टार्ट हुआ। इस वीडियो में जो भी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ वो 1 दिसंबर 2023 तक का है। इस फंड ने लास्ट के एक साल के अंदर 22% का रिटर्न दिया है। जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक इसने 16% का एनुअल रिटर्न दिया है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर 16% रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। इस फंड की जो प्रेजेंट टाइम में नेव है वो 14 के लगभग है। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तो उसकी स्टार्टिंग जो नेव है वो 10 रुपए से स्टार्ट होती है। धीरे धीरे उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के आधार पे नेव बढ़ती रहती है और घटती रहती है। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.52% है। एक्सपेंस रेशियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है क्योंकि उसको खर्चा बोला जाता है। एक्सपेंस रेशियो को एक्सपेंस चार्ज बोला जाता है, इस वजह से ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। एक्सपेंस रेशियो के अंदर फंड मैनेजर की फीस और जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको मैनेज करने का और जो कोई भी खर्चा लगता है वो सब शामिल होते हैं। एक्सपेंस रेशियो चार्ज एएमसी द्वारा डेली बेसिस पे काटा जाता है लेकिन इसका कैलकुलेशन ईयरली बेसिस पे होता है। निप्पन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की जो फंड साइज है वो 4,845 करोड़ है। 1 दिसंबर 2023 तक इस फंड में इन्वेस्टर द्वारा 4,845 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए। इन्वेस्टर द्वारा जितना पैसा किसी भी फंड में इन्वेस्ट किया जाता है उसी को फंड साइज बोला जाता है। इस फंड की एक और खास बात है, इस फंड से अगर आपको पैसा निकालना है तो आप 10% पैसा कभी भी निकाल सकते हो। आप अगर 100 रुपए की SIP कर रहे हो तो 100 में से 10 रुपए आप कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन 10 से अधिक पैसा निकालने पे आपको एक साल से पहले 1% एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। एग्जिट लोड चार्ज भी इस फंड का एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस फंड ने लास्ट के 2 साल में अपने कैटेगरी एवरेज से 7% अधिक रिटर्न दिया है और फ्यूचर के अंदर भी ये बेस्ट रिटर्न दे सकता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अदर जो म्यूचुअल फंड है उससे इस फंड ने लास्ट के 2 साल में 7% अधिक रिटर्न जनरेट किया है। किसी भी म्यूचुअल फंड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होल्डिंग होता है। जिन कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है एएमसी द्वारा उसको होल्डिंग बोला जाता है। और आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो होल्डिंग को जरूर चेक करो। होल्डिंग से ही रिटर्न मिलता है आपको क्योंकि आपका पैसा कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, वहीं से आपको रिटर्न मिलेगा। निप्पन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर 1 दिसंबर 2023 को 80 कंपनियां हैं, 80 होल्डिंग है, उसके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये जो होल्डिंग है वो फिक्स नहीं है। फंड मैनेजर किसी भी कंपनी को होल्डिंग में ऐड कर सकता है और किसी भी कंपनी को होल्डिंग से हटा सकता है। किसी भी कंपनी में अधिक पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और किसी कंपनी से पैसा निकाल सकता है। निप्पन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर HDFC बैंक है जिसके अंदर 7% पैसा आपका 1 दिसंबर 2023 को इन्वेस्ट किया जा रहा है। ये जो 7% है वो कम भी हो सकता है और अधिक भी फंड मैनेजर कर सकता है। ICICI बैंक के अंदर आपका 5% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 100 रुपए में से 7 रुपए HDFC बैंक में, 5 रुपए ICICI बैंक में इन्वेस्ट किया जा रहा है। इंफोसिस के अंदर भी 4% के लगभग पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। रिलायंस के अंदर 3.7% पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। L&T कंपनी के अंदर 3.7% पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर 2.5% पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर है जिसके अंदर 1.8% पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। इस प्रकार टोटल 80 कंपनियां हैं जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। निप्पन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की जो होल्डिंग है वो बहुत ही अच्छी है। इसमें सभी प्रकार की कंपनी है जिससे आपको अच्छा रिटर्न कम रिस्क के साथ मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस फंड को प्रेफर कर सकते हो। किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।